बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप सबको हम वेलकम कहते हैं। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप सबको वेलकम कहते हैं हमारी एवरी फ्राइडे जूम मीटिंग के अंदर, बीएफ स्टडी विद दादा। सबसे पहले तो दादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें टाइम देते हैं, समझाते हैं बहुत अच्छे से। और वो समझावा वो हमें किताबों में भी नहीं मिलता, जो आप एग्जाम्पल देकर या एक्ट कर समझाते हैं। इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर रितु, माशाल्लाह सबकी फेवरेट हैं और बहुत अच्छे से समझाती हैं। अभी वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगी। तो अम्मा जी, अम्मा जी बोलिए, अम्मा अम्मा जी। जी सही है सीधी, ठीक है। अभी हमारी अम्मा जी भी आ जाएंगी, हम सबकी जो अम्मा जी हैं पूरे पाकिस्तान की, पूरी इंडिया की, डॉक्टर रितु। तो और इसके साथ आज हमारे साथ गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं, डॉक्टर शबनम है पाकिस्तान से। तो आज की जो हमारी मेडिसिन है वो है 29 मेडिसिन है बीएफआर की, जिसका नाम है स्टार ऑफ बेथलम। थोड़ा सा मैं एक दो की पॉइंट बताती हूँ, फिर हम अपने गेस्ट स्पीकर की तरफ चलते हैं। जी दादा, इजाजत है आपकी? ठीक हाँ जी, हाँ जी, है। ग्रीन सिग्नल। मैंने जो है वो जितना सीखा है वो एक ही पॉइंट से मुझे चीजें याद रह जाती है। स्टार ऑफ बेथलम के मेंटल फिजिकली शॉक, अगर हम देखें तो ये शॉक की बहुत ग्रेट रेमेडी है, ठीक है। यानी कि आपको अगर मेंटल शॉक हो रहा है किसी भी वजह से, किसी का दिल टूट गया हो, कोई रिलेशनशिप में था, कोई अपने मतलब किसी की डेथ हो जाए, या किसी का ब्रेकअप हो जाए, या किसी भी मतलब फेलियर हो जाए, किसी भी किस्म का शॉक जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हो लाइफ में अपने, तो उसके जो भी आपके बॉडी के ऊपर असरात आते हैं, हम उसमें स्टार ऑफ बेथलम को सोप को दे सकते हैं। इसको शॉर्ट में सोप कहा जाता है। इसके क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं कि आपका जो है वो हर टाइम उदास रहना, मूड स्विंग हो जाना, ठीक है, किसी काम में दिल नहीं लगना, या आपके मसल्स में खिंचाव होना, या शॉक की बात ऐसा होता है कि हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आपके बॉडी के ऊपर शॉक के असरात आ रहे होते हैं, चाहे वो फौरी हो या देर से असरात आ रहे हो, तो उसके लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। हमारी अम्मा जी आ गई हैं, वेलकम मैम। तो मैंने स्टार ऑफ आपका बेथलेम को, स्टार ऑफ बेथलेम जी को हमें एक एक टाइप की स्टेपिस क्रिया कह सकते हैं। जब किसी ने बिना कारण हमको डांट दिया है और हम अपना गुस्सा दबा देते हैं, तो जी जी यहाँ भी स्टार ऑफ बेथलेम अच्छा रिजल्ट देती है। हाँ, यानी ठीक कि है, सप्रेस्ड आगे। इमोशनल शॉक है, और हाँ शॉक अनबियरेबल लाइफ सिचुएशन, यानी कि समटाइम ऐसा भी होता है कि हम अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं, तो हम बहुत ज्यादा शॉक में ही रहते हैं, अजीब सी कंडीशन में रहते हैं, तो हम वहां भी दे सकते हैं। तो मतलब मेंटल या फिजिकल, अगर हमें चोट भी लग जाए तो उसके बाद भी हम इसको दे सकते हैं। जिसके बाद के नहीं कि चोट के जख्म जो होते हैं, जैसे भर गया जख्म, उसके निशानत रह जाते हैं, ठीक है। तो जो भी ऐसी प्रॉब्लम या ऐसे सिम्टम जो लॉन्ग टर्म भी हमें उसके असरात दिख रहे हो, तो वहां पर भी हम सोप को स्टार्ट करवा सकते हैं, इसके काफी हमें अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा सोप जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, जो मैंने अभी तक इसको आजमाया है कि मैं अक्सर पेशेंट को सोप दे रही होती हूँ गैस्ट्रिक कंडीशन में। तो फिर हम पहले अपने जी दा देखिए, एक बात समझिए, आपको थोड़ा सा कट लगे लग गया, ठीक अब है। ब्लड निकल रहा है वहां से, तो सबसे पहले आपको क्या हुआ? शौक ही लगा ना, सुन हो हाँ, जाता शोकी है ना। लगा तो हाँ, वहाँ वहाँ ऐसे तुरंत ही SOB का वन डोज ले लो, सही तुरंत आपका मन शांत हो जाएगा। है। और दादा, मैंने आपकी बात से भी एक जगह ये भी पढ़ा था कि बगैर इस टीचिंग के, बगैर किसी मेडिकेशन के, अगर जैसे हमें कोई चोट लगती है, ब्लीडिंग होती है, हम वहां सोप दे दें, वो फौरी तौर पर ब्लीडिंग को रोकता भी है। हाँ, मतलब बगैर स्टिचिंग के भी, बगैर कोई और मेडिकेशन के भी, यहाँ पर भी हम इसको दे सकते हैं, ठीक है जी। जी, हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं, डॉक्टर शबनम। डॉक्टर शबनम आप ऑनलाइन हैं तो आप स्टार्ट कीजिएगा। गुड गुड इवनिंग इवनिंग, और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा अस्सलाम। जी, 29th रेमेडी स्टार ऑफ बेथलहम। सॉरी, मैं 1 सेकंड में भूल गई थी वीडियो ऑन करना। अब ठीक है, ठीक हो गया। अभी ऐसी रेमेडी दैट इज रिलेटेड टू द शॉक, चाहे वो रिसेंट शॉक हो या कोई बहुत ज्यादा कोई पुराना, कोई डीप डाउन उसकी बहुत ज्यादा कोई रूट्स हो,
किसी भी जरूरत में एसओपी एक बेहतरीन जो है ना वो इफेक्टिव रेमेडी है। इसके अलावा इट इज रेमेडी ऑफ अनसॉल्व सिचुएशंस, यानी कई दफा हमें पता ही नहीं होता, पेशेंट को पता ही नहीं होता कि बैकग्राउंड जो जिसे कहते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक, यानी ट्रॉमा जो बैकग्राउंड में पड़ा हुआ है, बैकग्राउंड में जो कोई रीजन है वो क्या है, और उसके इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे या इमोशनली या फिजिकली या साइकोलॉजिकली किसी भी इंसान के या किसी भी पेशेंट के वो किस तरह सामने आ रहे हैं। तो इस चीज को टू अनरिजॉल्व द सिचुएशन, टू अनरिजॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पास्ट ट्रॉमास और टू द प्रेजेंट ट्रॉमास सिचुएशन, एसओबी कैन बी द बेस्ट रेमेडी, नंबर 1। इसके अलावा ये है कि बचपन में, चाइल्डहुड में, जवानी में, प्रेगनेंसी में और बर्थ ट्रॉमा, कोई भी सिचुएशन हो जाए ये बेहतरीन रिजल्ट देती है। यानी एक चाइल्ड बर्थ का मरहला एक फीमेल के अलावा बेबी के लिए भी उतना ही शॉकिंग होता है जितना कि एक सेम रेशियो पे ऑलमोस्ट सिचुएशन होती है। और हर बच्चा, दादा ने बताया था कि हर बच्चे को एसओबी देनी चाहिए क्योंकि इट इज अ शॉकिंग थिंग फॉर हिम टू कम इन टू द दिस वर्ल्ड। अभी शॉक का असर इतना गहरा असर होता है, डीप रूटेड होते हैं और इमोशनल वूंड होते हैं कई बार, यानी अनहील्ड होते हैं, अनसॉल्व होते हैं, और कोई नया छोटा सा भी सेटबैक, छोटा सा भी ट्रॉमा पुराने जख्मों को घेर देता है। जैसे कहते हैं ना कि बदला हुआ है आज मेरे आंसुओं का रंग, शायद कि दिल के जख्म का टांका उधड़ गया। तो ऐसे पेशेंट्स जो है ना वो हर शॉक पे उनके दिल के जख्म का टांका जो है ना वो उधड़ता ही रहता है और उनकी तकलीफ में नई तकलीफ में इजाफा करता रहता है। टॉलरेंस लेवल रिड्यूस हो जाता है इन सारी सिचुएशंस को फेस करते करते, अपने इमोशनल लेवल पे उनको दबाते, और अक्सर तो उनको पता भी नहीं होता कि हमारे साथ चल क्या रहा है। छोटे छोटे मामला उनको परेशान कर देते हैं और बहुत ही एक्सट्रीम केसेस अगर हो जाएं, वो छोटी छोटी मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि ऐसा हो गई, वो उनको महसूस ही नहीं होता अक्सर कि ये छोटी सिचुएशंस जो हैं ये एक पीछे बड़े तूफान का पेशाना है, और वो तूफान जो है वो एक हिस्टोरिकल रिएक्शन के तौर पे अक्सर सामने आता है जब बहुत ज्यादा बैठ जाता है, उनकी जगह कहते हैं ना जड़ों में बैठ जाता है। अक्सर ये कहा जाता है, इन लोगों को कहा कहते सुना जाता है कि आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, और इसके अलावा यह कि मुझे मेरा माजी बार बार ख्वाबों में आता है, मुझे वो ट्रॉमास याद आते हैं, उनके हेलुसिनेशंस होते हैं इस तरह के कि जैसे पास्ट में कुछ हुआ था, और उस शॉकिंग सिचुएशन को, माजी की सोच को फील करके या उस ट्रॉमा में से गुजरे हुए फीलिंग को अपने ऊपर तारी होता देख के वो अक्सर रो भी पड़ते हैं। अभी ये इमोशनल शॉक जो है इट कॉजेज अ कन्वर्जन ऑफ द होल एनर्जेटिक सिस्टम, उनके एनर्जेटिक सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर देता है। और अगर किसी थेरेपी में ब्लॉकेज आ रही हो तो एसओबी इज द मेन रेमेडी कि आप उसको एसओबी दे दें, उनकी ब्लॉकेज जो है ना वो रिमूव हो जाएगी। इसके दादा ने तो बताया कि स्टेफी से साथ इसको हम कर सकते हैं। एक इसकी जो इमोशनल उसका जो डिस्टरबेंस है ना उसमें हम इसको ओपीएम के साथ भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। इसकी बात यह है कि न्यूरोसिस, हिस्टोरिकल सिम्टम्स, थायराइड रिलेटेड इश्यूज और डिसफेगिया और हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ब्रोंकियल एस्मा, नर्वस ब्लैडर, ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये भी इस पेशेंट को फेस करनी पड़ती हैं। और एक और बात के एसओपी इज द फर्स्ट बेस्ट रेमेडी दैट एलिमिनेट्स ट्रॉमा। इसके बाद यह है कि ना ये
वो ट्रॉमा जो के थर्म जिस जिसमें ब्लॉकेज होती है, और जो के ब्लॉकेज भी ऐसी है जो के उसके इमोशनल शॉक को वहां पे डिस्टर्ब कर रही होती है, मीन इमोशनल शॉक को एनहेंस कर रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है, और डीप ग्रीफ, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट, ये दोनों चीजें इसमें एट द सेम टाइम पाई जाती हैं। और कई दफा ये होता है कि कोई बुरी खबर सुनी तो शॉक में चले जाते हैं, कोई फिजिकल इंजरीज लाइक रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई स्कल इंजरी हो गई, कोई इस किस्म की स्पाइनल इंजरीज या फ्रैक्चर्स वगैरह, ये भी उसको SOB की ही उसमें थेरेपी के अंडर ही आती है। मेरा अपना एक केस है, मेरे पास एक पेशेंट थे, उनकी मिसेस ने मुझे कहा कि मेरे हस्बैंड की चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, कि उनके मदर फादर में कोई प्रॉब्लम थी आपस में, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और वो मदर को गुस्सा आता था तो वो उठा के पटक देती थी बच्चे को, और बाप को गुस्सा आता था तो बिल्कुल बेचारे वो रोलिंग स्टोन बनाया हुआ था। उसको वॉलनट और SOB देने के बाद, 1 महीने के बाद, उसकी बीवी कहती है, आपने तो मुझे दुनिया में दोबारा जिंदा कर दिया। वो इतना अच्छा रिजल्ट मिला, और हिज फाइन, और वो जो जिस तरह के उसको रातों को उठ उठ के वो एक आती थी ना कि मुझे अपने बचपन के ख्वाब आ रहे हैं, कि मुझे मेरे पेरेंट्स मिस बिहेव कर रहे हैं, मेरे साथ मुझे उठा उठा के पटक पटक रहे हैं, तो वो सारी सिचुएशन बहुत अच्छे से कवर हो गई इसके साथ। मेरी तरफ से आज इतना ही। बहुत अच्छी, ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। माशाल्लाह डॉक्टर शबनम, आपने बहुत अच्छा बताया, तो अब हम चलते हैं आपकी अम्मा जी की तरफ, डॉक्टर रितो की तरफ। ये आपने और दादा ने मिलके रिंकिंग वाला नाम रख दिया है अम्मा जी। मैं डॉक्टर रितु कह रहे नहीं, आपने अम्मा जी बोलना है, तो बस जब दादा ने बोल दिया तो बस वो तो फिर सर आंखों पर सारे को। तो इसमें इसमें बुराई क्या है? वो तो एक रिस्पेक्ट है हमारी ओर से, हर मैंने कहा का किसी दादा के। की बुराई है, पर हाँ इतनी रिस्पेक्ट नहीं ना, वो रिस्पेक्ट आप अपने तक ही रखवाइएगा। ओके, बहुत अच्छे से कवर अप किया है SOB को, बट जो मैंने इनसे सीखा है, सो लेट मी गेट बैक टू दैट लिटिल थिंग जो मैंने दादा से सीखा है, कि अगेन द निकनेम हैज बीन गिवन सूदर ऑफ सॉरो, और जो आपको चीज सूद करती है, तो दैट थिंग हैज टू बी ट्रूथफुल एंड वेरी पीसफुल, एंड इवेंचुअली सौ का, स्टार ऑफ बेथलेम के प्लांट का जो फ्लावर होता है वो भी व्हाइट कलर का होता है, सो इट हैज ऑल द ट्रेट्स ऑफ प्योरिटी, इनोसेंस, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, होप, फॉरगिवनेस, वो सारी चीजें जो SOB की एक बोलते हैं ना, उसके एक पर्सनालिटी ट्रेट्स, पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। सो होता कैसा है, लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दैट इट्स अ कंफर्टर ऑफ एनी टाइप ऑफ ग्रीफ, एनी टाइप ऑफ ट्रॉमा, लोनलीनेस, या बोल देते हैं ना कि ग्रीफ और हार्ट ब्रेक, या अ पर्सन हु रिफ्यूजेस टू कंसोल आफ्टर अ शॉकिंग न्यूज, तो ये सारी चीजों के लिए SOB एक रामबाण औषधि है। बट एक चीज मुझे ये बताइएगा कि होता क्या है, पता कैसे चलेगा? ठीक है, कोई आके ये बताएगा नहीं कि मेरे साथ बचपन में ये हुआ है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही विल और दे विल सफर स्लीपलेसनेस, राइट? एक है ना, दे आर अनएबल टू वीप, एक नमनेस दिखेगी आपको, शरीर नम हो गया है, दिमाग नम हो गया है, दे वोंट बी फीलिंग एनीथिंग, और हमेशा नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, ये सारे पैरा फंक्शनल सिम्टम्स तो होते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसा कि दादा ने एक बार मुझे बताया था, व्हेन यू हैव टू प्रैक्टिस, और कब ये प्रैक्टिस करना है, कब एडमिनिस्टर करना है सॉफ्ट, राइट अवे व्हेन एन इंडिविजुअल इज गोइंग थ्रू अ शॉक और डिस्ट्रेस, अगर उसी वक्त दे दिया जाए
तो इसका वो जो रिजल्ट है ना, जो इसकी खासियत है, वो आपको इमीडिएटली दिख जाएगी। और दादा, ये रेस्क्यू रेमेडी में है सो बताइए आप। मुझे क्या पता, मैं थोड़ा जानता हूँ, रॉक रोज है इतना पता है, और एसओ भी है। हाँ ठीक है, ये सवाल इन्होंने मुझसे किया था कि आप मैडम बताइए इसके अंदर सौब है या नहीं है। तो रेस्क्यू रेमेडी में सौब है तो समझ जाइएगा कि टॉप इमीडिएट, राइट। स्टार ऑफ बेथलेहम नंबर 1 पर है। हाय सो दिस वाज द क्वेश्चन इन्होंने मेरे से पूछा था जब ये पढ़ा रहे थे, और तब मैं चुप थी। मेरे को पता था कोई भी बेवकूफी भरा आंसर दूंगी, डांट पड़ने वाली, तो मैं चुप रहती थी अक्सर। सवाल बहुत करती थी, आंसर के टाइम पे चुप रहती थी। सो देन इट मेक्स अ सेंस दैट यू शुड एडमिनिस्टर सॉप द मोमेंट द पर्सन इज गोइंग थ्रू अ शॉक और एनी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रेस, वो उसी वक्त लग जाती है। अदरवाइज क्या होता है कि विद इयर्स इट बिकम्स क्रॉनिक। अगर हमने उस वक्त नहीं दिया तो बोलते ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद शॉक लगते चले जाते हैं, और वो क्रॉनिक सिचुएशन पहुंच जाती है। फिर हमें बहुत टाइम लगता है मेंटल सिचुएशन इससे निकलने में। सो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी तरह का शॉक हो, अगर चाइल्ड बर्थ हो, जैसे ही बच्चा पैदा कर देती है माँ, सबसे पहले सॉब दो। दैट्स वन रेमेडी विच विल हेल्प हर कम आउट ऑफ द शॉक। बच्चे को भी आप आराम से एक बूंद लेकर पानी में डाल के चटा सकते हैं। मैं बिंदास बोलती हूँ कि नए बॉर्न बच्चे को भी आप ये चटा सकते हैं, टू लेट इट कम आउट ऑफ द शॉक। वो जो शॉक होता है ना, जिससे वो बाहर निकलता है, माँ के पेट से बाहर निकलता है और रोता है, बच्चा जब रोता है, वो भी एक तरह का बहुत बड़ा शॉक है, लाइफ का सबसे बड़ा रादर शॉक है। तो ये सर्कमस्टेंसेस तो हमें पता है। साथ में ये जरूर समझ लीजिएगा, दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ एनी मेडिकल थेरेपी, बट डेफिनेटली इट विल फैसिलिटेट द क्योर, इट विल फैसिलिटेट द रिकवरी प्रोसेस। जो मेडिकल फैसिलिटी चल रही है चलने दीजिएगा। जैसे अभी मैंने बताया था, मेरे घर में गेस्ट आए थे, मेरे सामने 10 मीटर की दूरी पे भी नहीं बैठे थे, उनको हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे दिख रहा है, पसीने पसीने हो गए हैं, आंखें फेर ली थी, लिटरली उन्होंने शरीर अपना एकदम ढीला मेरे पर छोड़ दिया था। बट अगर मैं दिखाऊंगी कि मेरे घर में जगह जगह पे RR और 108 कैसे पड़ी है, सो अगेन देर इज अ सॉब इन इट। इमीजिएटली 5-5 मिनट के अंतराल पे बिना सोचे समझे चार चार ढूंढ लिया। मुझे मालूम था कि इनको ले जाना है हॉस्पिटल, बट अगेन वाई, टू फैसिलिटेट द रिकवरी। अगर ये वाली रिकवरी मैंने इनकी बचा ली, तो जो शॉक वाली रिकवरी है वो वहां नहीं लगेगी। दैट वाज वन रीजन कि हॉस्पिटल जाने के बाद भी जो एक बोलते हैं ना हार्ट अटैक था, उससे वो बहुत जल्दी उभर गए थे। सो कोई मेडिकल थेरेपी को मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बट आई एम फैसिलिटेटिंग व्हाट द रिकवरी प्रोसेस, राइट। सो सॉप का सबसे बड़ी खूबी ये है। और दूसरी चीज कैसी होती है इसके अंदर, और ये होता क्यों है, क्योंकि जब हमें शॉक लगता है ना, तो हमारा माइंड शट हो जाता है। माइंड शट हो जाता है तो जो कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड है, इट इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। जब वो सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं कर रही है बॉडी, तो या तो आपका बॉडी नम हो जाएगी, या आपका बोलना निकलना बंद हो जाता है। कभी बोलते हैं ना, मैं इतनी शॉक में थी मुझसे बोला नहीं जा रहा था, सो दैट इज अगेन अ सॉ। अब क्या होता है, समटाइम्स कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, दे सफर नमनेस एंड इन अ लाइटर पेन, हम उसे कह सकते हैं कि ये नमनेस है उनमें। क्यों है? क्योंकि वो चीयरफुल अपना एटीट्यूड दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? कि जो सामने वाला फेस कर रहा है, उनको लगता है कि मेरी तरह ही उसकी सिचुएशन है, बट मैं सामने वाले को सिचुएशन से निकालू। सो दे विल डिमोन्स्ट्रेट चीयरफुलनेस, बट बैक ऑफ द माइंड उनके क्या है, दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम थिंग। तब क्या होता है, इंटरनली तो उनको भी ग्रीफ है, बट देयर सेंसेस हैव बिकम नम, दे हैव मेड देयर सेंसेस सो नम सो दैट अदर्स कैन नॉट सी देम, अदर्स कैन नॉट सी दैट ग्रीफ। तो हमेशा ये मत सोचिए कि जो इंसान बहुत चीयरफुल है उसकी लाइफ में कोई ग्रीफ नहीं होगा। डेफिनेटली ग्रीफ होता है, बट देयर सेंसेस हैव बिकम नम। Now, when the senses have become numb and they succumb, बोलते हैं ना, and they succumb to the vulnerability. Vulnerability दो काइंड की होती है,
या तो वो विच हेल्प्स यू टू ग्रो इनटू अ बेटर पर्सन, इनटू अ हेल्दी पर्सन. एक वल्नरेबिलिटी होती है जिसके जिसके दौरान आप अपने आप को उसके अंदर दे चुके होते कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता. अब जब आप वल्नरेबिलिटी के अंदर सकम कर जाते हैं, सो यू विड्रॉ योरसेल्फ फ्रॉम अदर पीपल, आप अलूफ होने लग जाते हैं, आप किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते, और आपने अपने जो सेंटिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं ना कंसील कर दिया है चीयरफुलनेस के पीछे. सो दैट इज वन थिंग, यू डू नॉट लेट एनी बडी असिस्ट यू, यू डू नॉट लेट एनी बडी गाइड यू. दैट इज वन वे ऑफ गेटिंग नम, दैट इज वन वे ऑफ द क्रॉनिक सॉर्व. सो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब कोई इंसान बोलता है कि मेरी आवाज नहीं निकली या मेरे सेंस, मतलब मैं एकदम ब्लॉक हो गया था, दिमाग मेरा बंद हो गया था, दैट इज नॉट ओनली एक्यूट, दैट कैन बी क्रॉनिक ऑल्सो. तो बहुत जरूरी है समझना कि एक्यूट कंडीशन में देंगे तो कितनी जल्दी फायदा करता है, और क्रॉनिक कंडीशन में उसके क्या पैरा फंक्शनल सिम्टम्स होते हैं और वो कैसे हमको निकालने की कोशिश करता है. तो उसमें फर्स्ट स्टेप ये होता है कि दे विल नॉट लिव देयर लाइफ, दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि लाइफ खुद ही एक ट्रेजर होती है. तो जब वो अपने आप को दूर करने लगते हैं दुनिया से, अलूफ रहने लगते हैं, दैट मीन्स दे आर गोइंग इन टू डिप्रेशन, दैट इज अ क्रॉनिक सॉफ स्टेट. प्लीज अंडरस्टैंड, जब कोई इंसान बोलता है ना कि नहीं मेरे को आपसे कोई लेना देना नहीं, मेरे से बात मत कीजिए, मेरे को अकेला छोड़ दीजिए, दैट इज अ क्रॉनिक सॉफ कंडीशन. उस वक्त भले ही अकेला छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे लोगों को अकेला मत छोड़िए. या जो इंसान बिना मतलब के हमेशा हंसता रहता है उसके भी पीछे ग्रीफ है और वो नम हो जाती है, उनको भी अकेला मत छोड़िए. ये दो केसेस ऐसे वल्नरेबल होते हैं कि हमें एक बार को लगता है यार इतना एटीट्यूड पे छोड़ो, इसको पड़े रहने दो, इसको अपने हाथ में छोड़ दो. दैट इज नॉट अ करेक्ट सोल्यूशन, स्पेशली फ्रॉम अ डॉक्टर, स्पेशली फ्रॉम अ थेरेपिस्ट. और ये कंडीशन हमको एनिमल्स में भी मिलती है. कब मिलती है? व्हेन दे आर मिसट्रीटेड बाय देयर केयर टेकर्स. जब बहुत ज्यादा पेट्स को कोई मारता है करता है तो वो भी सॉफ्ट कंडीशन से निकल सॉफ्ट कंडीशन से जा रहे होते हैं. या फिर होता है जब बोलते ना लड़की की शादी हो जाती है, वो भी एक सॉफ्ट कंडीशन होती है. वो एक शॉक ही होता है कि इस घर में पूरी जिंदगी पली पड़ी, अब मुझे एकदम से जाके नए घर में सेट होना है. अब आजकल के हालात में ठीक है लव मैरिज होने लग गई है या लड़का लड़की बोलते हैं, बट पहले तो बिना शक्ल देखे ही शादी हो जाया करती थी. सो दैट वॉज अ सॉफ्ट कंडीशन. सो आई गेस दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. लेकिन आपको इसके पैरा फंक्शनल सिम्टम्स बहुत वल्नरेबल है, मोर देन फिजिकल दे आर वेरी वल्नरेबल. यू नीड टू अंडरस्टैंड इस वल्नरेबिलिटी में या तो ग्रोथ हो सकती है या अ पर्सन सकम टू देयर ओन डिप्रेशन. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. बैक टू नोरीन मैडम एंड दादा. मैडम जी यहाँ, मैडम रितु मैडम जी यहाँ मैं लास्ट वीक का एक केस आपको याद दिलाना चाहता हूँ. हेलो जी, आ रही है आवाज. हाँ लास्ट, हाँ लास्ट वीक जो लेडी का केस था ऑनलाइन, शादी हुई थी, 6 महीने में डिवोर्स हो गया, बहुत पूछा बहुत पूछा, बाद में फुट फुट के रोने लगी और बताया कि मेरे अंकल ने हेरेसमेंट किया था, वो भी बार बार. Yes. और तब हमने ये डिसाइड किया था कि इसकी ट्रीटमेंट स्टार ऑफ बेथलेम से स्टार्ट करते हैं. एग्जैक्टली दादा, और शायद हमने स्टार ऑफ बेथलेम की अलग से रेमेडी दी थी, दूसरी रेमेडी के कॉम्बिनेशन. बहुत से मेरे डॉक्टर किस्से में ये आता है कि कुसुम का कोई ना कोई हेरेसमेंट करता है या जबरदस्ती करता है, लड़की बेचारी फैमिली में किसी को बता नहीं. कई बार तो फैमिली मेंबर्स भी मना कर देते हैं. हाँ, और ये शौक इतना गहरा होता है ना कि उसकी मैरिड लाइफ हैप्पी कभी नहीं रहेगी. बट यहाँ आप उसको स्टार ऑफ बेथलेम चालू रखते हो, दे देते हो ना, तो उसकी लाइफ हैप्पी हो जाएगी. जैसे हमने बताया दादा ने वो क्रॉनिक केस था, तो दादा ने आपको और भी रेमेडीज दी थी, लेकिन एक बॉटल में उन्होंने सिर्फ सौंप दिया था और उस लेडी को कहा था कि 6 बार लेना है दिन में. सो यू नीड टू रिमेम्बर कि जरूरी नहीं है हर डोज 4 गोली दिन में 3 बार ही देनी है. आप 4 बार भी दे सकते हैं, एक्यूट और क्रॉनिकनेस देख के आप 6 बार भी दे सकते हैं. देयर इज नो हार्म.
हाँ जी, हाँ जी दादा, हाँ, तो स्टार ऑफ बेथलेहम का एक सिम्टम्स है कि इसका स्ट्रोक का रिजल्ट आपको तुरंत ही मिले ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ दिनों के बाद मिल सकता है, कुछ हफ्तों के बाद मिल सकता है, महीनों के बाद भी मिल सकता है और सालों के बाद भी मिल सकता है। हाँ, क्योंकि ये जब बचपन का है। हाँ, जब कोई बोले ना ड्यूरिंग केस टेकिंग कि ये टाइम पे मुझे ये स्ट्रोक लगा था और बोन पेन है, तो उसको स्टार ऑफ बेथलेहम दे दो। स्टार ऑफ बेथलेहम का बोन पेन, तो डेंगू क्या है? डेंगू को कह हम क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार, यूपा पर। यस, पर और स्टार ऑफ बेथलेहम में क्या आया है? पास्ट के शौक की वजह से बोन पेन। तो अभी डेंगू का सीजन आ ही रहा है, तो जब आपके पास कोई पेन पेशेंट आए तो डेंगू है तो डेफिनेटली उसको बोन पेन होगा ही। यूपा पर्व के साथ में स्टार ऑफ बेथलेहम देते रहिए, उसके प्लेटलेट भी अप हो जाएंगे, बोन पेन भी चला जाएगा। ओके, चलो और कौन है अभी? दादा क्वेश्चन है बस दो तीन बताइए। और कोई स्पीकर स्पीकर नहीं है क्या? नहीं, डॉक्टर मदीना थी, वो आपको बताया ना कि उनका नेट नहीं चल रहा, तो उन्होंने कोई बात नहीं, वो क्वेश्चंस ले हाँ लीजिए, क्वेश्चंस ले लीजिए। क्वेश्चंस हैं। ये डॉक्टर अलमास ने पूछा है, क्या हम ऐसे क्रॉनिक ओसीडी में भी दे सकते हैं? सिम्टम्स देखो। हाँ, ओसीडी में क्यों देना है आपको सॉग? लेकिन हाँ, अगर वो शॉक की वजह से, मतलब ओसीडी देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये ओसीडी, एक एग्जांपल बताते हैं, चलिए एग्जांपल से देखते हैं। ये अभी कोविड आया था, सो कोविड में बोलते ना कोई शॉक या कोई वजह से ओसीडी हो जाता है या हो गया है किसी को, आप उसमें सॉग एडमिनिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि ओसीडी भी कोई वजह से होता है, लेकिन अपने को सिम्टम्स देखने होंगे। सो ये मैंने एग्जाम्पल दिया है कि कोविड भी एक तरीका का शॉक था सबके लिए शॉक था। बहुत ज्यादा उस शॉक में अगर किसी को ओसीडी हो गया था बार बार हाथ धोने का, राइट, कई कई बच्चों को हुआ था, सो यू शुड एडमिनिस्टर सॉग। तो यू नीड टू सी द सिम्टम्स। आई कैन जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल कि ऐसी कोई कंडीशन हो तब सॉग दीजिएगा, बट ओसीडी बहुत चीजों की वजह से होता है, बहुत तरीके से होता है, तो यू सी व्हाट आर द सिम्टम्स। बस वो मैम बात ये कि जब तक हम इसकी की सिम्टम्स को समझेंगे नहीं तो हमें कॉजेज भी समझ नहीं आएंगी ना, वो किसी भी सीधा वजह सा है से हो ये, रहा है। हाँ हाँ सीधा सा है, दिस इज अ क्राइसिस फॉर्मूला रेमेडी, दैट्स करेक्ट, अबाउट इट। बस वो बात यहाँ बिल्कुल फिनिश हो जाती है, एंड हो जाती है। अच्छा, एक हाँ दिस इज अ क्वेश्चन और क्राइसिस। है हाँ तैयबा जी, का, एक्सीडेंट में जो शॉक लगता है उसके लिए भी दे सकते हैं वो अभी ये फिजिकली? बताया था दादा, हाँ, ऑफ कोर्स डेफिनेटली, ये शुरू में उन्होंने स्टार्ट में ही लिख कर दे दिया था। एक बहुत अच्छी चीज है, एक एग्जांपल बताते हैं। जी मेरे नेबर में एक न्यू बॉर्न बेबी है, दादा से मैंने शायद ये डिस्कस किया था या नहीं किया था, मैं भूल गई हूँ, लेकिन एक न्यू बॉर्न बेबी है और वो 7-8 महीने का है, नॉट एग्जैक्टली न्यू बॉर्न पर वो 7 महीने का है, और फर्स्ट टाइम वो अपने पलंग से, क्रिब से नीचे गिरा था, तो वो जो रोया था, तो उसकी माँ सीधे मेरे पास लेकर आई थी कि है ना, ये गिर गया है पलंग से, इसको देखो कुछ हो तो नहीं गया, कंटिन्यूस रो रहा है। तो मैंने माँ को भी सौंप दिया था और बच्चे को भी सौंप दिया था, और मैंने उनको बोला आप मेरे पास बैठो, मेरे चाय का टाइम हो रहा है, हम चाय पीते हैं, वो बच्चा जब तक नहीं, और बच्चे को मैंने दो दो बार सौंप दिया और उसको खिलौना दे दिया, वो आराम से बैठ के 5 मिनट में खेलने चालू। तो यू अंडरस्टैंड दिस इज अ क्राइसिस रेमेडी, इमीडिएट इफेक्ट होता है, अगर आप इमीडिएटली शॉक लगे और अगर आप दे दो बच्चे को, तो बच्चे को भी लगा, माँ को भी लगा, दोनों शांति से अपने घर। मतलब मैम, अच्छा इसको हम इस तरीके से करें ना, ये देखो, फिजिकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली। सबसे पहले मेंटली लगता है, अगर वो फिजिकल लगा है तो सबसे पहले वो वायर्ड है, दिमाग तक वो जी शॉक गया है,
तब जाके वो है ना आपको दर्द भी लगेगा और आपको घबराहट भी होगी कि मेरी कोई हड्डी तो नहीं टूट गई है या मुझे कुछ हो तो नहीं गया है. सो एवरी टाइम द मेंटल सिम्टम इज द प्राइमरी कंडीशन ऑफ एनी फिजिकल इलनेस और एनी फिजिकल एक्सीडेंट. तो यहाँ पे भी उस बच्चे को लगा नहीं था बट वो शॉक के मारे क्योंकि वो कभी भी माँ की गोद से नीचे नहीं उतरा और आज पलंग से नीचे गिरा. डेफिनेटली लगी होगी लेकिन इतनी सी लगे कि इतना दर्द नहीं होता है जितना उसके दिमाग को शॉक लग रहा था जो वो आधे घंटे तक रोया. और माँ की घबराहट भी बच्चे को दिखती है बहुत क्लियरली बच्चे को दिखती है. हमको लगता है कि बच्चा नहीं समझ पा रहा है और माँ के चेहरे को माँ की आवाज को 1-6 महीने का बच्चा भी बहुत अच्छे से समझ सकता है. तो माँ की घबराहट से वो और घबराया और बच्चे की घबराहट से माँ भी घबराई. तो बोथ वर इन शॉक. समझदारी ये थी जो मेरे पास आ गई क्योंकि वो जानती हैं. और मेरी समझदारी ये थी कि मेरे को इतना डंडा ठोका हुआ है दादा ने कि मुझे एकदम ध्यान आ गया था कि मुझे इसको 100 देना है. आपने भी बहुत अच्छा लफ्ज यूज और किया डंडा ठोका भाई. हाँ हाँ एकदम बहुत डांट खाई है ऐसी बात नहीं है और अभी भी खा लेती हूँ कई नौरिन बार. कई जी, आप किस्म लोगों के साथ मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हुआ हूँ, जितना रितु मैडम और भी मेरे एक दो स्टूडेंट थे, बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ। और आज भी कई बार केस टेकिंग में बोल देते हैं एकदम साइलेंट रहना, मुंह बंद रखना, म्यूट पे रहना, मत बोलना. उस्ताद तो उस्ताद होता है ना. इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है? क्या ये मेडिसिन पाकिस्तान में भी मिल सकती है? फ्लावर जी, क्योंकि पाकिस्तान से है, हमारी पाकिस्तान में कंपनी है बीएम बनाती है, एक ही कंपनी है पाकिस्तान. आप डॉक्टर खरीद लें या मुझे रब्ता कर लें. नौरीन जी फौजी डॉक्टर फौजी को जरा म्यूट करेंगे. कर दिया, पता नहीं इन्होंने अपने आप को म्यूट किया. अब बोलिए नौरीन जी, आपके साथ दो स्टूडेंट हुआ करती थी, जी जी आजकल वो नहीं दिख रही है, ठीक है? और उनका कोई देखो उनका मोबाइल चोरी हो मेरी, गया था. हाँ देखो मेरी स्टूडेंट आ गई है। अच्छा सही है. गुड गुड मैम, इवनिंग गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? एकदम अच्छी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है. अच्छा डॉक्टर इमदाद, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको उसकी सारी डिटेल दे दूंगी कि आप किस सिटी से हैं और वहां पर कौन सा मेडिकल अब रैपिड दूसरी आपके लिए स्टूडेंट। पहुंचा सकता है ये, ठीक है? अच्छा, माशाल्लाह से ये हेलो तो. मैम, कैसे हेलो, हाउ आर यू? गुड हो? इवनिंग. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे? ठीक ठाक. अच्छा एक क्वेश्चन और है, क्या ये ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं जिन्हें कोई शॉक हाँ जी, लगे दे 4-5 साल हो चुके हों? मेरे ख्याल से सकते हैं, दे देंगे डॉक्टर जोया ने काफी लेट ज्वाइन किया. नहीं, दे सकते हैं लेकिन क्या रिजल्ट और कैसे रिजल्ट मिलता है डिपेंड. जी जी डॉक्टर इमदाद, आप मेरे नंबर पर ही, डॉक्टर कलीम के नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी. आप इस पर चैट पर कर रहे हैं ना, ये तो अभी रिकॉर्डिंग के साथ बंद हो जाएगी. इसके अलावा अगर अभी और तो क्वेश्चन है तो कुछ चंद 1 मिनट है चंद हमारे मिनट पास. ही बाकी है, चंद मिनट ही बाकी है। दादा ओनली 1 मिनट आर हाँ लेफ्ट. हाँ अभी कोई हाँ क्वेश्चन नहीं है, तो आज तो कुछ बोला ही नहीं था, जैसे हर बार बोलता हूँ तो लास्ट में बोलना चाहूंगा। चाहत बन जी गई है बेचफ्लावर, आदत बन गई है बेचफ्लावर, हर सांस में यूं आती जाती रहती है बेज फ्लावर, जैसे मेरी इबादत बन गई ही है बेज फ्लावर। क्या क्या बात बात है है, दादा आपकी, क्या बहुत बात है. सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर. आखिरी वाली लाइन तो कमाल कर दी कि इबादत बन गई है. यकीन करें.